तो आज हम आ गए हैं बैजनाथ मंदिर। जी हाँ, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नैनीताल से आगे आके जब आप अल्मोड़ा की तरफ आएंगे तो अल्मोड़ा एक अच्छा बड़ा शहर है पहाड़ों में, उससे पास के पड़ता है। मंदिरों का समूह कहे जाने वाले बैजनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जनपद के अंदर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ एक मंदिर समूह है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1130 मीटर की है। यहां पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पंतनगर मिल जाएगा और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम का मिलेगा। अगर आप भारत के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं तो उसका डिस्टेंस चार्ट इन किलोमीटर्स मैंने दे दिया है, आप इसे चेक कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। मान्यता है कि कत्यूरी वंश के वक्त में 9 लाख लोगों ने मिलकर एक दिन में इस मंदिर का निर्माण किया था। कत्यूरी शैली के बने बेहद ही मजबूत पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इस मंदिर के स्ट्रक्चर में लोहा या सीमेंट का कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं दिखता है। कत्यूरी राजवंश नॉर्थ इंडिया का एक मध्ययुगी और एक इम्पॉर्टेंट राजवंश हुआ करता था, जिसका कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में 6वीं से लेकर 11वीं सदी तक का शासन हुआ करता था। उनकी पहली राजधानी जोशीमठ में थी और फिर अगली कार्तिकेयपुर। पुराने प्राचीन काल में बैजनाथ को ही कार्तिकेयपुर नाम से जाना जाता था। 12वीं सदी में बने इस मंदिर में शिव, गणेश, पार्वती, चंडिका, कुबेर और सूर्य मंदिर हैं, जिसमें से मुख्य मंदिर भगवान शिव का है। हाथी द्वारा ये लकड़ी पत्थर हटा के वो पानी बाहर निकाला, तब उन्होंने यहाँ राज किया। एक रात के बने हुए मंदिर है, कुनला कतुरी राजाओं के बनाए हुए मंदिर ये है सर। यहाँ की कहानी, तब उन्होंने यहाँ राज्य किया, एक रात में मंदिर बनाए, जागेश्वर बनाया, दो रात में बनाए 365 मंदिर। किसने बनाया था? कत्यूरी राजा। कत्यूरी राजा, हाँ। क्या नाम रहा? कत्यूरी राजा। अच्छा, कत्यूरी राजा। कत्यूरी तो वंश था ना? हाँ, वंश। राजा नाम क्या है? राजा बीरमा। राजा बीरमा, अच्छा। राजा बीरमा, अच्छा अच्छा। राजा बीरमा, धाम जो बीरम जो, कितने थे वो? हाँ हाँ। कठैत भी थे उनमें, धामा कठैत, भीमा कठैत। हाँ हाँ हाँ। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान शिव और पार्वती ने गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पर विवाह किया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस मंदिर का संरक्षण करता है। बैजनाथ में स्टे करने के लिए आपको KMVN का गेस्ट हाउस मिल जाएगा, अदरवाइज आप चाहें तो कौसानी में भी स्टे कर सकते हैं, जो कि यहां से 17 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर कौसानी एक सुंदर हिल स्टेशन है, जहां किसी वक्त में महात्मा गांधी जी भी आए थे। बैजनाथ मंदिर के सैटेलाइट डेस्टिनेशन के रूप में आप चाहें तो बागेश्वर, जो कि यहां से 21 किलोमीटर दूर जनपद मुख्यालय है, एक सुंदर शहर, यहां पे भी आप घूम सकते हैं। और गढ़वाल रीजन की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो 23 किलोमीटर दूर पे आपको ग्वालदम जैसा एक सुंदर हिल स्टेशन भी घूमने के लिए मिल जाएगा। बैजनाथ मंदिर के बगल में ही एक कृत्रिम झील का भी निर्माण किया गया है, जो कि टूरिस्टों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। झील का उद्घाटन 14 जनवरी 2016 को किया गया था, जिसमें आपको काफी सारी मछलियां भी देखने को मिल जाती हैं। आप यहां पे बोटिंग का भी मजा ले सकते हैं। परिवार के साथ हॉलीडे के लिए ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है, जो कि आपको काफी अच्छा और सुकून देने वाला मिल जाता है। चलिए अब सफर को जारी रखते हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन, जो कि है बागनाथ मंदिर। जी हाँ, बागनाथ मंदिर कहते हैं शिव और पार्वती का एक ऐसा मंदिर है, जहाँ पे आपको 2 रूपी शिवलिंग मिल जाता है। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड वाला वो घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरी ये वीडियो पोस्ट होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए।